hello my dear children this is shika aurora and today we are going to start with class 8 science chapter number 8 force and pressure so let's begin the chapter first the aim of this chapter is force effect of force types of force pressure pressure exerted by liquids pressure exerted by gases and atmospheric pressure have a look on the warm up children most living organisms move when necessary such as in search of food, shelter, etc. On the other hand, most non living objects around us, such as doors, bottles, balls, come into motion only when we apply a push or a pull to them. Observe the picture below and identify the action as either push or pull. So you can see here a boy is pushing a box, and here he is pulling the box. वॉट इज फोर्स नाउ अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड एज फोर्स फोर्स हम उसे बोलेंगे जिसकी वजह से कोई चीज़ मोशन में आ रही है फॉर एग्जाम्पल अ बुक वॉज प्लेसड ऑन टेबल और मैंने उसे पुश कर दिया तो क्या हुआ कि बुक क्या हुआ बुक में थोड़ा सा मोशन आया सो so, वो क्यों आया बिकॉज मैंने उसके ऊपर फोर्स को अप्लाई किया था अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच टेंस टू चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड फोर्स तो फोर्स को हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल लेटर एफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है फोर्स की स्टैंडर्ड यूनिट है न्यूटन विच इज डिनोटेड बाय लेटर एन इट मस्ट बी रिमेंबर दैट फोर्स डज नॉट ऑलवेज कॉज एन ऑब्जेक्ट टू मूव फोर्स जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट को सिर्फ मूव करे वो ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए भी यूज किया जा सकता है फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ

अ क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन तो आप बताओ ये पुश है या पुल है इट इज अग बकेट ऑफ वॉटर फ्रॉम अ वेल तो आप क्या कर रहे हो आप पुल कर रहे हो लाइक like दिस आप बाकी एक्शन के भी यहाँ पे फिल करोगे कि कौन सा ये पुल है और कौन सा पुश है न पुल अ पुल इज वेन वी अप्लाई अ फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स अस है ना अपनी तरफ अगर ऑब्जेक्ट को लेकर आना है तो हम उसको पुल करते हैं और पुश क्या करते हैं जब हमें ऑब्जेक्ट को अपने से दूर करना है तो हम अप्लाई करते हैं पुश और पुश और पुल दोनों मिलके क्या बनाते हैं फोर्स क्या हम इस फोर्स को देख सकते हैं नहीं इट इज नॉट विजिबल टू अस हम सिर्फ इसको फील कर सकते हैं और इसके जो इफेक्ट्स है उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पुश एंड पुल लाइक प्लेइंग अ गिटार स्क्रबिंग द फ्लोर सोइंग वुड रोइंग अ बोट तो इसमें हम पुश और पुल दोनों ही यूज करते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स नाव चिल्ड्रन यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे कि फोर्स के बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं ना चिल्ड्रन फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन तो फोर्स लगाकर हम किसी चीज़ को जो कि रेस्ट पे है उसको मोशन में लेकर आ सकते हैं जैसे कि हिटिंग अ गॉल बॉल विद अ स्टिक तो बॉल कैसी है स्टेशनरी है रुकी हुई है और हमने इसे स्टिक से लेके उसको जैसे ही हिट किया वो मोशन में आ जाती है तो हमने क्या देखा कि हमने जब बॉल के ऊपर फोर्स लगाया तो बॉल जो है वो मूवमेंट शो कर रही है ना फोर्स कैन स्टॉप अ मोशन अगर कोई चीज़ मूविंग है और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट के गेम में हमने देखा है कि प्लेयर जब हिट करता है बॉल को बैट से और दूसरा प्लेयर उसको कैच कर ले तो क्या हुआ बॉल जो है वो मोशन में थी और वो स्टॉप हो गई सो so, हमने क्या किया बाय अप्लाइंग फोर्स हमने क्या किया ऐसी चीज जो कि एक मोशन में थी उसको हमने रोक दिया मतलब कि हम उसको रेस्ट पे ले आए उसको हमने स्टेशनरी बना दिया सो अ फोर्स कैन स्टॉप द मोशन ऑल्सो वी कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इट्स मोशन फॉर एग्जाम्पल इन गेम ऑफ फुटबॉल द गोल कीपर सेव्ज अ गोल बाय डाइविंग द एंड स्टॉपिंग द बॉल द फोर्स अप्लाइड बाय हिम ड्यूरिंग द डाई स्टॉप्स द मोशन ऑफ द बॉल फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज कर सकता है फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट में बॉलर ने बॉल डाली सामने से और दूसरे प्लेयर ने उसको हिट किया विद हेल्प ऑफ हिज बैट एंड बॉल गई दूसरे डायरेक्शन में तो हमने क्या किया बाय अप्लाइंग फोर्स हमने बॉल का डायरेक्शन चेंज कर दिया वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स इन डिजायर डायरेक्शन फॉर एग्जाम्पल इन क्रिकेट वेन अ बैट्समैन हिट द मूविंग बॉल विद इज बैट द डायरेक्शन ऑफ द बॉल चेंजेस फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मोशन फोर्स जो है हम फोर्स को अप्लाई करके किसी चीज़ का मोशन स्टॉप भी कर सकते हैं स्लो डाउन भी कर सकते हैं और तेज भी कर सकते हैं वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट बाई अप्लाइंग फोर्स फॉर एग्जाम्पल इफ वी किक अ फुटबॉल जब आप फुटबॉल को किक करते हो तो आप क्या करते हो उसकी स्पीड बढ़ा देते हो है ना तो बॉल जो है वो फास्ट मूव करती है स्पीड विल बी इंक्रीज एंड द गोल कीपर और तभी गोल कीपर ने उस बॉल को स्टॉप कर दिया तो क्या हुआ बॉल की जो स्पीड थी वो रिड्यूस आउट हो गई फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो फोर्स जो है वो शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है जैसे कि आप एक रबर बैंड लो और उसे आप स्ट्रेच करो तो क्या हुआ रबर बैंड की शेप एज वेल एज साइज जो है वो चेंज हो गया अब आप उसको वापस से रिलीज कर दो तो कैसा होगा वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन कर लेगा जस्ट लाइक अ स्प्रिंग पेन के अगर आप अपना पेन देखो तो उसके अंदर भी स्प्रिंग लगा होता है आप उसको स्ट्रेच करो उसकी शेप और साइज दोनों ही चेंज हो जाएगी लेकिन जैसे ही हम उसको रिलीज करेंगे इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आपने मम्मी को घर में आटा गूंजते हुए भी देखा होगा तो मम्मी क्या कर रही है मम्मी इज अप्लाइंग फोर्स वो आटे पे फोर्स लगा रही हैं जिसकी वजह से डो की शेप एज वेल एज साइज जो है वो चेंज हो जाता है फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स फॉर एग्जाम्पल वेन यू नीड डो यू अप्लाई फोर्स विद योर हैंड्स चेंजिंग इट्स शेप एंड साइज सिमिलरली we can change the shape and size of a rubber band ball of cotton or even a sponge by applying force have a look on track your progress children fill in the blanks dash is the si unit of force you all know what is the si unit of force it is newton force can change the dash of a moving body force can change the डायरेक्शन फोर्स इज अंटिटी कैसी क्वॉंटिटी है ये वेक्टर इसके पास मैग्नेट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी स्पेसिफिक होता है सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वान्टिटी नाउ चिल्ड्रन काइंड ऑफ फोर्सेज देर आर टू काइंड ऑफ फोर्स एक को हम बोलेंगे कंटेक्ट फोर्स और एक को बोलेंगे हम नॉन कंटेक्ट फोर्स तो कंटेक्ट फोर्स तीन टाइप के हम पढ़ेंगे मस्क्यूलर फ्रिक्शन एंड मकैनिकल और वहीं नॉन कंटैक्ट फोर्सेस में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सो कंटैक्ट फोर्स कंटैक्ट फोर्स क्या होते हैं वो फोर्सेस जो अप्लाई होते हैं व्हेन वी आर इन फिजिकल कंटैक्ट विद द ऑब्जेक्ट द फोर्स एक्ट ओनली वेन ऑब्जेक्ट आर इन फिजिकल कंटैक्ट विद ईच अदर एंड ब्रिंग अबाउट नेसेसरी चेंजेस तो ये कौन कौन से हो सकते हैं ये हो सकते हैं मस्क्युलर फोर्स अगर आपको कोई चीज़ हैवी चीज़ लिफ्ट करनी है तो आप उसके ऊपर क्या अप्लाई करते हो फोर्स अप्लाई करते हो एंड दैट टू योर मस्क्युलर फोर्स द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय योर मसल्स इज कॉल्ड एज द मस्क्युलर फोर्स फोर्स दैट रिक्वायर्स द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मस्क्युलर फोर्स जैसे कि हमें किसी चीज़ को पुश करना है पुल करना है थ्रोइंग किकिंग आपने देखा होगा कि जो uh, बुल्ड्स हैं या जो कार्ट्स होते हैं हॉर्स कार्ट होते हैं है, तो क्या करते हैं हॉर्स वगैरह हॉर्स है या बुल है दे यूज दे मसल पावर ताकि वो कार्ट को खींच सके वेन अप्लाइंग मस्कुलर फोर्स टू एन ऑब्जेक्ट आ बॉडी मस्ट बी इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंटैक्ट विद इट दस मस्कुलर फोर्स इज अ अंटैक्ट फोर्स एनिमल्स यूज दे मस्कुलर फोर्स टू मूव अराउंड कैरी पीपल और पुल लोड्स सच एज हॉर्स पुलिंग अ कार्ट फ्रिक्शनल फोर्स द फोर्स दैट अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट वेन वन मूव अगेंस्ट द अदर इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स जब आप ग्राउंड पे मूव करते हो चिल्ड्रन तो क्या होता है आप अपने पैर से ग्राउंड को पीछे की तरफ को धक्का देते हैं जिसकी वजह से ग्राउंड हमें आगे की तरफ को पुश करता है सो so ये फोर्स कौन सा हुआ ये हुआ फ्रिक्शनल फोर्स इवन वेन यू रब योर हैंड्स विद ईच अदर आप क्या क्रिएट कर रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स हम क्रिएट कर रहे हैं फ्रिक्शन एक्ट ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू देयर मोशन इट इज अ कंटैक्ट फॉर एज इट अराइजेज ड्यू टू कंटैक्ट बिटवीन टू सर्फेज फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक अगर आपको माचिस भी जलानी है तो उसके लिए भी आपको फ्रिक्शन ही चाहिए तो माई स्टिक और उसके बीच में आपको जब मैच स्टिक आप रब करते हो तो यू आर क्रिएटिंग फ्रिक्शन जिसकी वजह से क्या होता है द मैच स्टिक्स गेट लाइटेड रोलिंग बॉल कम्स टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम ड्यू टू फ्रिक्शन क्योंकि ग्राउंड उसके ऊपर फ्रिक्शन लगा रहा है इसीलिए बॉल जो है वो थोड़े टाइम में रुक जाएगी अगर आप अपनी बाइसिकल के अंदर भी पेडलिंग करना रोकते हो ब्रेक अप्लाई करते हो तो व्हील और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है जिसकी वजह से बाइसाइकिल जो है वो रुक जाती है वी आर एबल टू वॉक बिकॉज द फ्रिक्शन बिटवीन आर फीट एंड द ग्राउंड A bicycle slows down and eventually stops when we stop pedaling due to the friction between its wheel and the road. Then we have mechanical force. The force which is exerted by the machine is called as the mechanical force. Machine help us to perform various tasks. For example, a car moves with the help of engine. So, engine kya kar hai? Car movement me help kar hai, Which uses the energy released when petrol is burnt. Of force is force by water, जो कि टर्बाइन को मूव कर पाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है इसमें सबसे पहले आता है मैग्नेटिक फोर्स एज द नेम इंडिकेट चिल्ड्रेन द फोर्स एग्जर्टेड बाय द मैग्नेट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स तो मैग्नेट जो है किसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगी ओनली मैग्नेटिक मटीरियल जैसे आयरन हो गया निकल हो गया इसके ऊपर तो मैग्नेट जो है वो वर्क करेगी बट अगर हम प्लास्टिक ले आए तो प्लास्टिक के साथ मैग्नेट वर्क नहीं करेगी आप क्या करो आप आयरन फिलिंग्स लो और उसके ऊपर आप मैग्नेट चला के देखो यू डोंट हैव टू टच योर आयरन पीसेस विद मैग्नेट लेकिन हम क्या देखते हैं कि आयरन के पीसेस जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट की तरफ नाउ एक्टिविटी टू चिल्ड्रन टू शो दैट मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कंटैक्ट फोर्स इसके लिए हमें मटीरियल क्या क्या चाहिए अ बार मैग्नेट अ फ्यू स्मॉल आयरन नेल्स एंड अ वुडन बोर्ड इसका प्रोसीजर है टेक अ फ्यू आयरन नेल्स ऑन अ बोर्ड एंड स्लोली ब्रिंग अ बार मैगनेट टूवर्ड्स दैम एंड ऑब्जर्व द मूवमेंट तो हम क्या देखते हैं कि जैसे हम उसको क्लोज लेके जाएंगे आयरन के जो नेल्स हैं वो मैगनेट से छिपक जाएंगे

और वहीं अगर आपने नॉर्थ पोल को एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूसरी मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास लेकर आओगे तो दे विल शो रिपल्शन अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट एंड ऑन मेटल सच एज आयरन स्टील निकल एंड कोबाल्ट द इंटरेक्शन बिटवीन टू मैग्नेट्स कैन बी ईदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव अ मैग्नेट हैज टू पोल्स वी ऑल नो कौन कौन से पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है Like poles of two magnet always repel each other, whereas unlike poles are always attract each other. Now, have a look on Wikipedia, children. Magnetic force is used to run a train known as Maglev train. Electrostatic force of attraction: the force exerted by a charged object on charged object or an uncharged object is called as electrostatic force of attraction. तो आपने देखा होगा जब हम छोटे होते थे क्लास में बैठे होते थे हम क्या करते थे पेपर की बिट्स तोड़ी और अपना एक स्केल लिया उसे अपने हेड पे रब करते थे और उन्हें पेपर बिट्स के पास लेके जाते थे तो हम क्या देखते थे कि जो पेपर बिट्स है वो रूलर से स्टिक हो जाते थे सो इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको देखने के लिए वी कैन हैव एन एक्टिविटी चिल्ड्रन इसके लिए हमें चाहिए एक प्लास्टिक की कोम एंड टाइनी बिट्स ऑफ पेपर टेक प्लास्टिक कोम एंड रबर ड्राई नियर टू दिन ऑब्जर्व दियर मूवमेंट हम क्या देखेंगे और वो क्यों स्टिक होते हैं बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट प्रोसेसिंग मास इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स तो अगर हम ग्राउंड पे खड़े हैं या हम बैठते हैं चेयर पे इट इज ऑल बिकॉज अर्थ इज पुलिंग अस टूवर्ड्स इट सेल्फ बाय अ फोर्स कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स आपने देखा होगा पेड़ पे लगे हुए फल हमेशा नीचे की तरफ को गिरते हैं इट इज बिकॉज अर्थ की जो ग्रेविटी है वो उनके ऊपर एक पुल लगा रही है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स द फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू बुक्स बिटवीन अ बुक एंड अ टेबल बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड and between earth and moon are the gravitational force gravitational force exists everywhere in the universe earth has a huge mass so it attracts all the objects towards it that is why agar hum ek ball ko upar ki taraf bhi fekte hain तो वो ऊपर जाने के बाद नीचे ही आएगी क्योंकि Earth जो है उसके ऊपर gravitational force है लगा रहा है

तो इस केस में हमारा फोर्स कैसा हुआ बैलेंस्ड फोर्स बैलेंस्ड फोर्स के अंदर बॉडी मूवमेंट शो नहीं करेगी वेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द एक्टिंग ऑन बॉडी इज जीरो देन आर रेफर टू एज फोर्स फोर्स द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स दे नॉट इनिशिएट मोशन इन अ स्टेशनरी बॉडी कैसे हो सकता है एक टेबल रुकी हुई है इधर से एक बच्चा पुश कर रहा है इधर से दूसरा बच्चा पुश कर रहा है टेबल में मूवमेंट शो हुआ ही नहीं सो so,

टग ऑफ वॉर चल रहा है यहाँ के जो टीम ए के मेंबर हैं ये कितना फोर्स लगा रहे हैं ये लगा रहे हैं 400 न्यूटन का फोर्स और वही टीम बी के मेंबर्स लगा रहे हैं 300 न्यूटन का फोर्स तो रोप किसकी तरफ मूव कर जाएगी ज्यादा फोर्स की तरफ मूव करेगी सो so यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो नहीं है इसीलिए इस टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स इन द गेम ऑफ टग ऑफ वॉर व्हेन द फोर्स एक्सर्टेड बाय टू टीम्स आर इक्वल

नाउ यूनिट्स ऑफ़ ऑफ़ फोर्स फोर्स तो चिल्ड्रन यू ऑलरेडी नो कि यूनिट क्या है न्यूटन है ऐसा ही यूनिट है उसकी जिसका सिंबल है कैपिटल एन इसकी अदर यूनिट्स भी होती हैं लाइक के जी एफ किलोग्राम फोर्स फोर्स रिक्वायर टू लिफ्ट अ बॉडी ऑफ मास वन के जी वर्टिकली इज कॉल्ड वन किलोग्राम फोर्स द यूनिट किलोग्राम फोर्स इज डोनेटेड बाई नोटेशन के जी एफ ऐसे ही स्मॉलर यूनिट ऑफ फोर्स होती है ग्राम फोर्स द फोर्स रिक्वायर टू लिफ्ट अ बॉडी ऑफ मास वन ग्राम वर्टिकली इज कॉल्ड वन ग्राम फोर्स जिसको हम जी एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रॉम वन द किलोग्राम रिलेशनशिप वी कैन राइट वन किलोग्राम फोर्स इज इक्वल्स टू थाउजेंड ग्राम फोर्स इट हैज बीन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली कि जो वन किलोग्राम फोर्स होता है वो नाइन पॉइंट एट न्यूटन के बराबर होता है For convenience in calculation, we take 1 kgf as 10 Newton. Now, see your track your progress, children. First question says the SI unit of force is Newton and is denoted by N. Yes, it is true. Gravitation force is a type of non contact force. Again, it is true. When two forces act in opposite direction, the net force is the sum of both forces, nahi. It is false. हॉर्सेज यूज फ्रिक्शनल फोर्स टू पुल अ कार्ट तो ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं यूज करते कौन सा फोर्स यूज करते हैं मस्क्यूलर फोर्स सो अगेन दिस इज फॉल्स ना चिल्ड्रेन वी हैव लर्न अबाउट द फोर्स लेकिन दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंटली एक्ट करती है वो है प्रेशर ना वॉट इज दिस प्रेशर प्रेशर इज द फोर्स अप्लाइड ऑन अ यूनिट एरिया हम कितने एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर तो प्रेशर का जो फॉर्मूला हुआ वो क्या हुआ प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ कंटैक्ट फोर्स एंड प्रेशर आर क्लोजली रिलेटेड विद प्रेशर फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी तो हमें यहां से एक फॉर्मूला मिला क्या मिला हमें प्रेशर का फॉर्मूला कि प्रेशर इज इक्वल्स टू प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया यहीं से हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं चिल्ड्रन फोर्स की यूनिट क्या होती है फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वेर सो हम क्या बोल सकते हैं कि प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वेर जिसको पास्कल ने डिफाइन किया था इसीलिए इसे हम पास्कल से भी रिप्रेजेंट करते हैं तो यूनिट ऑफ प्रेशर इज एक्चुअली वन पास्कल जो किसके इक्वल होता है वन न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन एरिया ऑफ वन मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर ऑल्सो नोन एज पास्कल। तो इस फॉर्मूला को ही देख के हम बता सकते हैं कि अगर हम फोर्स को इंक्रीज करते हैं तो हमारा प्रेशर भी इंक्रीज करेगा क्योंकि ये दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा प्रेशर और अगर आप एरिया की बात करो तो प्रेशर और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दैट मीन्स अगर मैं एरिया बढ़ाती हूँ तो मेरा प्रेशर जो है वो घट जाएगा या फिर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो एरिया जो है वो रिड्यूस हो जाएगा सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑन विच फोर्स इज बींग अप्लाइड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया In other words, for a given force, if the area increases, pressure decreases, and vice versa. However, pressure is directly proportional to force acting on a surface. So, jitna jada force, utna jada pressure. Numerical problems, children. See the first example. A block weighing 1500 Newton rest on an area of 5 meters square. Calculate pressure exerted by the block on the surface which supports so, it. फोर्स दिया है हमें यहाँ पे एरिया दिया हुआ है हम सिंपल फोर्ट प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे विच इज फोर्स अपॉन एरिया और इससे हमारा आंसर आ जाएगा 300 हंड्रेड अ गर्ल के जी इज स्टैंडिंग ऑन पेंसिल हील ईच है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वन सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड एलिफेंट वेग टू थाउजेंड के जी विदुट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू फिफ्टी सेंटीमीटर स्क्वेयर इज स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर विच ऑफ टू दीज टू एक्जर्ट मोर फ्रेश प्रेशर ऑन द फ्लोर गिवेन जी इज इक्वल टू टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो सबसे पहले तो हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे कि एलिफेंट कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है तो so, आपके पास मास है देन यू हैव आप फोर्स निकाल लो कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा इट वुड बी टू थाउजेंड इंटू टेन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्लोरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सो यहाँ हम फोर्स इज इक्वल टू एम जी इससे निकाल लेंगे मास हमें ऑलरेडी पता है टू थाउजेंड था इसको टेन से मल्टीप्लाई कर दिया यू गेट ट्वेंटी थाउजेंड न्यूट्रन फोर्स अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे एरिया निकालने के लिए उसके चार पैर हैं तो यू हैव टू फाइंड इट अकॉर्डिंगली तो वो कितना एरिया यूज कर रहा था टू फिफ्टी सेंटीमीटर स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर को सबसे पहले हम मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे और फिर उसको हम फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आया वो आया वन अपॉन टेन मीटर का स्क्वायर ना यू कैन ईजिली कैलकुलेट आउट द प्रेशर बाय फोर्स अपॉन एरिया तो हमें यहाँ से प्रेशर पता चल गया एलिफेंट कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है ऐसे ही हम गर्ल्स के द्वारा एक्जर्ट किया हुआ प्रेशर निकालेंगे गर्ल का मास कितना है एट्टी तो फोर्स कितना एग्जर्ट कर रही है एट्टी इंटू टेन दैट मीन्स एट हंड्रेड न्यूटन ऐसे ही क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ उसके दोनों हील्स का हम निकालेंगे क्योंकि दो ही पैर हैं एलिफेंट के तो चार थे गर्ल के कितने हैं टू है तो टू इंटू वन सेंटीमीटर स्क्वायर अभी सेंटीमीटर स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे सो so, हमारा आंसर आ गया ये नाउ यू कैलकुलेट इट आउट द प्रेशर बाय पुटिंग इट इन द फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया तो हमें पता चला गर्ल इतना प्रेशर जो है वो एग्जर्ट कर रही है तो हमें क्या पता चला इस वाले एग्जाम्पल से कि गर्ल इज एक्जर्टिंग मोर प्रेशर और अगर हम इसका रेशियो निकालें तो रेशियो विल कम आउट टू बी वन इज टू ट्वेंटी दैट मीनस ट्वेंटी टाइम्स ज्यादा प्रेशर जो है गर्ल एग्जर्ट कर रही है देन एलिफेंट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इन लाइफ चिल्ड्रन अगर आपने देखा होगा कि आप स्कूल बैग्स होते हैं इतने सारी उसमें बुक्स होती हैं तो जो उसका स्ट्रैप होता है जो हमारे शोल्डर्स पे आता है वो कैसा होता है वो ब्रॉड होता है तो जब हमने ब्रॉड स्ट्रैप uh, वाला बैग लिया तो उसने क्या किया उसने एरिया को इंक्रीज कर दिया तो प्रेशर जो है अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगा वहीं अगर हम पतले स्ट्रैप वाला बैग लेते हैं तो वो हमें बहुत पेन करेगा हमारे शोल्डर्स में क्योंकि हमने एरिया कम कर दिया एरिया कम कर दिया तो प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा सिमिलरली डेजर्ट एनिमल्स लाइक कैमल्स कैमल ईजिली वॉक कर सकते हैं पे सैंड पे ऐसा क्यों है क्योंकि इनके जो फीट होते हैं ये काफ़ी ब्रॉड होते हैं तो ब्रॉड का मतलब क्या है एरिया बढ़ गया एरिया बढ़ गया तो फोर एरिया बढ़ गया तो प्रेशर घट जाएगा इसीलिए ये ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट नहीं करते और इजिली सैंड पे मूव कर पाते हैं डेजर्ट एनिमल्स लाइक कैमल्स कैन वॉक ईजिली ऑन सैंडी लैंड कंपेयर टू अदर एनिमल्स बिकॉज दे हैव ब्रॉडर फीट विच एक्जर्ट लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड कटिंग हेजेज ऑफ नाइफ ब्लेड एक्सेस आर मेड शार्पर आप देखते हो घर में भी अगर आपके नाइफ है तो आप देख सकते हो एक पार्ट उसका ब्लंट होता है वो थोड़ा मोटा होता है और जो शार्प साइड होती है वो बिल्कुल थिन होती है तो ऐसा हमने क्यों किया हमने जब उसको थिन कर दिया तो हमने उसका एरिया रिड्यूस कर दिया सो एरिया रिड्यूस कर दिया तो प्रेशर अल्टीमेटली क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा और हम ईजिली उससे चॉपिंग कर सकेंगे रेल्स ऑन रेलवे ट्रैक आर फिक्स टू लार्ज वाइड वुडन और स्टील स्लीपर्स ऐसा हम करते हैं ताकि टू इंक्रीज द एरिया एंड्रीज द प्रेशर पॉटर्स प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देअर हैड वेन कैरिंग है इसलिए करते हैं ताकि वो एरिया को बढ़ा सके एरिया ऑफ कंटैक्ट बिटवीन लोड एंड देयर हैड उसको वो बढ़ा देते हैं तो एरिया बढ़ गया तो प्रेशर अल्टीमेटली रिड्यूस हो गया और वो इजीली लोड को कैरी कर सकते हैं ड्राइंग पिंस एंड थम ट्रैक्स आर डिज़ाइन विद अ रिलेटिवली लार्जर टॉप आपने देखा होगा ड्राइंग पिंस के जो टॉप होता है वो कैसा होता है वो लार्ज होता है और बाकी जो उसका हिस्सा होता है वो शार्प होता है शार्प हिस्सा होने की वजह से क्या होगा कि वो प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा उसके ऊपर और ईजीली हम नेल्स को किसी भी चीज़ में डाल सकेंगे This design allow them to easily pressed into the soft wood board. Now have a look on track your progress children. Solve the following numericals. तो yahan par hame numericals diye hain See first one. Force कितना दिया है हमें? Force है हमारा 10 newton. और area कितना है? Area is 200 centimeter square. तो centimeter को हम meter में change करेंगे. क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए आपने दो बार ही यूज किया है नाउ यू पुट इट इन द फॉर्मूला तो फॉर्मूला में पुट करेंगे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया टेन अपॉन टू हंड्रेड इन टू हंड्रेड टू हंड्रेड सो योर आंसर कम्स आउट टू बी प्रेशर कितना हो गया फाइव हंड्रेड पासकल फाइंड द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच अ फोर्स ऑफ फिफ्टी न्यूटन वेन अप्लाइड एक्सर्ट्स अफ प्रेशर तो यहाँ हमें प्रेशर गिवन है प्रेशर कितना गिवन है थ्री हंड्रेड पासकल और वहीं हमें फोर्स दिया है विच इज इक्वल्स टू फिफ्टी न्यूटन बस फॉर्मूला में पुट कर लो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एरिया विल भी फोर्स अपॉन प्रेशर तो फोर्स कितना है फिफ्टी अपॉन थ्री हंड्रेड जीरो से जीरो कट सिक्स तो वन अपॉन सिक्स इसको आप डिवाइड कर लेंगे आंसर निकालेंगे एंड यू विल पुट इट इन मीटर का स्क्वायर लिक्विड प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स तो चिल्ड्रन अभी हमने पढ़ा कि जो सॉलिड्स हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वैसे ही लिक्विड्स भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं टू ऑन वॉल्स ऑफ द कंटेनर विच इज कंटेनिंग द लिक्विड तो अगर हमने किसी एक बकेट में अगर हमने वाटर लिया है तो वो वाटर हर चारों तरफ ही प्रेशर एग्जर्ट करेगा द प्रेशर एक्जर्टेड बाय लिक्विड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इज कॉल्ड लेटरल प्रेशर अनलाइक सॉलिड विच एग्जर्ट प्रेशर ओनली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन भाई सॉलिड अपना वेट है उसके पास तो वो वेट को नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही प्रेशर एग्जर्ट करेगा लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड चारों डायरेक्शन में प्रेशर को एग्जर्ट करेगा फैक्टर अफेक्टिंग लिक्विड प्रेशर तो किस किस फैक्टर पर प्रेशर डिपेंड करता है लिक्विड में इट डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम द प्रेशर इज ड्यू टू अक्विड एट एनी पॉइंट इन साइड इंक्रीजेज विद द हाइट तो अगर हम प्रेशर के फॉर्मूला की बात करें तो प्रेशर का फॉर्मूला इन लिक्विड विल बी प्रेशर इज इक्वल्स टू एम जी एच ठीक है तो सबसे पहले ये डिपेंड कर रहा है हाइट के ऊपर यू कैन सी कि हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर जितनी ज्यादा हाइट उतना ज्यादा प्रेशर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर वी सो चिल्ड्रन नाउ लेट डिस्कस द फैक्टर्स विच अफेक्ट लिक्विड प्रेशर तो फैक्टर्स जो है ये किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है प्रेशर इन लिक्विड सबसे पहले हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम तो प्रेशर जो है वो हाइट के ऊपर डिपेंड करता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट जितनी ज्यादा हाइट उतना ज्यादा प्रेशर देन इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड दैट मीन्स जितनी ज्यादा डेंसिटी जितना ज्यादा डेंस सब्सटेंस होगा उतनी ज्यादा ही प्रेशर एग्जर्ट होगी सो वी कैन हैव अ फॉर्मूला हिच सेज प्रेशर इज इक्वल्स टू एच रो जी सो हाइट हाइट से प्रेशर इंक्रीज होता है जी अगर आप रो की बात करो तो रो इज फॉर डेंसिटी डेंसिटी के साथ भी प्रेशर जो है ये प्रोपोर्शनल है तो जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा प्रेशर की पॉइंट्स लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ दंटेनर एंड इन विच दे आर स्टोर लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ जितना आप जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतना ही ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा लिक्विड सेम प्रेशर इन ऑल हम पढ़ते हैं सो the so इसके लिए आप एक एक्टिविटी देखेंगे हम ग्लास ट्यूब लेंगे विद बोथ एंड्स ओपन और उसके एक एंड पे हम बलून लगा देंगे और उसको अच्छे से बांध देंगे Now take a glass tube and tie a balloon tightly at one of the lower end with the help of string. Hold the tube in a vertical position. Pour water inside the tube until it is half filled. तो so, हम क्या देखते हैं कि जो balloon है उसके अंदर water fill हो जाएगा and it will increase the size of balloon. Now pour some more water into the tube. Again observe the size of the balloon. तो so, हम क्या देखेंगे कि जब हमने उसमें और ज़्यादा पानी डाला तो बलून जो है वो और ज्यादा फूल गया सो दिस शोज दैट द बल्ज इन बलून इज कॉज बाय द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वॉटर ड्यू टू इट्स वेट तो इसने वॉटर ने इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया जिसकी वजह से बलून जो है वो बल्ज आउट हो गया सो so इसका कंक्लूजन क्या है कि लिक्विड जो है वो प्रेशर एक्जर्ट करते हैं लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस विद द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम रिपीट दिस एक्टिविटी विद अनादर लिक्विड एंड नोट द एक्सटेंट ऑफ बल्ज लिक्विड प्रेशर वेरीज विद डेप्थ तो जितनी ज़्यादा गहराई होगी उतना ही ज़्यादा प्रेशर भी होगा द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ सी इज़ मच ग्रेटर देन नियर द सर्फेस तो हम क्या बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगी वैसे वैसे प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा इसीलिए सी डाइवर्स जब पानी में अंदर जाते हैं तो दे हैव टू वेयर अ स्पेशल सूट ताकि उनका जो प्रेशर है वो ज़्यादा उनके ऊपर एग्जर्ट ना हो सके नहीं तो उनकी बॉडीज क्या हो जाएंगी उनकी बॉडीज जो है वो क्रश आउट हो जाएगी द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ सी इज मोर देन ग्रेटर देन नियर द सर्फेस डीप सी डाइवर्स हैव टू टू वेयर स्पेशल सूट्स प्रिवेंट देयर बॉडीज फ्रॉम क्रश्ड तो हम एक एक्टिविटी देख सकते हैं चिल्ड्रन इसके लिए इसके लिए हम क्या करेंगे एक प्लास्टिक कंटेनर लेंगे और उसमें चार होल्स बना देंगे एट डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स फिल द कंटेनर विद वाटर

होंगे फिल द बॉटल एंड ऑब्जर्व दैट ऑफ वॉटर कमिंग आउट तो हम क्या देखेंगे कि सब में से ही वॉटर सेम आएगा बाहर so, ऐसा क्यों हुआ क्योंकि सेम डिस्टेंस पे जो लिक्विड है वो सेम प्रेशर लगा रहा है जिसकी वजह से सभी होल्स में से पानी बाहर आ रहा है यू विल फाइंड दैट द ओर फोर जेट्स फॉल एट द सेम टाइम सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटल शोइंग दैट लिक्विड एक्जर्ट इक्वल प्रेशर इन द डायरेक्शन एट द सेम डेप्थ लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल तो चिल्ड्रन आप कोई से भी शेप का कंटेनर ले लो लिक्विड जो है उसकी शेप ही ले लेता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं हम एक ग्लास पाइप लेंगे जिसमें पांच ट्यूब्स लगी होंगी ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस कनेक्टेड एट द बेस एंड वाटर आप एक ग्लास पाइप लो और उसमें वाटर पोर करो इन एनी ऑफ वन ट्यूब ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ वाटर अंटिल स्टेबिलाईज इन ऑल ट्यूब ऑब्जर्वेशन यू विल ऑब्जर्व दैट वाटर फ्रॉम वन ट्यूब मूव थ्रू दॉरिजोंटल पाइप टू द अदर कनेक्टेड ट्यूब्स तो इस तरीके से आप ट्यूब में जब पानी डालेंगे तो हम क्या देखेंगे कि वाटर का जो लेवल होगा वो डिफरेंट हो जाएगा दैट मीन्स वाटर सीक्स इट्स ओन लेवल द वॉटर लेवल इन ऑल ट्यूब स्टेबिलाईज एट द सेम लेवल रिकॉर्डलेस ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द ट्यूब्स दिस शोज दैट लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर लिक्विड प्रेशर इज कॉल्ड प्रेशर गॉज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ प्रेशर गॉज इज मैनोमीटर सो कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ लिक्विड प्रेशर चिल्ड्रन अगर आपने देखा हो किसी डैम को अगर आपने विजिट किया हो तो जो उसके बॉटम होता है वो काफ़ी थिक बनाया जाता है एज कम्पेयर टू इथ स्टॉप ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बॉटम पे जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा वाटर सप्लाई टैंस इन एन एरिया इज कंस्ट्रक्टेड विद अ हाइट ग्रेटर देन दैट ऑफ बिल्डिंग ऑफ दैट एरिया ये भी इसीलिए ही किया जाता है क्योंकि लिक्विड प्रेशर इंक्रीज विद हाइट डीप सी डाइवर्स हैव टू टू वेयर स्पेशल सूट्स प्रोटेक्ट फ्रॉम मैसिव लिक्विड प्रेशर इन डीप क्योंकि जैसे जैसे हमारी डेप्थ इंक्रीज होगी वैसे वैसे ही प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा हैव अ लुक ऑन ट्रैक योर प्रोग्रेस चिल्ड्रेन फर्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक एस आई यूनिट ऑफ प्रेशर इज ये यू ऑल नो द आंसर वट इज इट इट इज पास्कल liquid pressure dash with height increases liquid seeks its own level have a look on wikipedia children fishes found deep in the sea have bodies adapted to withstand the immense pressure under the water when they are brought to the surface during fishing their bodies sometimes burst due to sudden drop in pressure प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस तो चिल्ड्रन अभी हमने देखा कि सॉलिड्स तो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वहीं लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करती है तो गैसेस कहाँ से पीछे रहेंगी गैसेस आल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर लाइक लिक्विड्स गैसेस आल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कंटेंड दिस इज व्हाई बलून इन फ्लेट्स वेन वी ब्लो एयर इन टू इट तो आपने देखा है जब आप गुब्बारे में हवा भरते हैं तो क्या होता है गुब्बारा फूल जाता है इट बल्ज आउट तो ऐसा क्यों हुआ क्योंकि गैसेस भी प्रेशर एग्जर्ट कर रही हैं ऑन दी वॉल्स ऑफ दी बलून दस कॉजिंग इट टू एक्सपैंड एटमोस्फेयर प्रेशर नाउ चिल्ड्रन यू ऑल नो दैट अर्थ इज सराउंडेड बाय एन एनवल ऑफ एयर है ना जिसको हम बोलते हैं एटमोसफेयर ये एटमोस्फेयर भी एक प्रेशर लगा रहा है विच इज कॉल्ड एज एटमोस एंडउंडिंग अपरली थ्री हंड्रेड किलोमीटर ऑन दर्थ सर्फेस और इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं एटमोस्फेयरिक प्रेशर विच कैन बी डिफाइंड फोर्स पर यूनिट एरिया एक्जर्टेड बाई द वेट ऑफ द आवर बॉडीज आर वेल अडेप्टेड टू इनॉमस एटमोसफेयरिक प्रेशर एंड वी कैन विद स्टैंड इट विदाउट एनी प्रॉब्लम तो ऐसा क्यों है चिल्ड्रेन आपको पता है कि एटमोस्फेयर जो है हम पे प्रेशर लगा रहा है लेकिन ये प्रेशर हमें फील ही नहीं होता ऐसा क्यों है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो भी एक प्रेशर एग्जर्ट करता है जो कि इस एटमोसफेयरिक प्रेशर को बैलेंस कर देता है इसी वजह से हमें ये प्रेशर फील नहीं होता है

और जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं मतलब माउंटेन एरिया में जाते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है इसीलिए जो माउंटेनर्स हैं जो माउंटेंस पे जाते हैं वो अपने साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं क्यों क्योंकि वहां पर जैसे ही वो ऊपर हायर एल्टीट्यूड्स में जाएंगे वहां पर प्रेशर जो है एयर का वो घट जाएगा कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ एटमोसफेयरिक प्रेशर द फॉलोइंग आर सम कॉन्सिक्वेंसिस इफेक्ट ऑफ एटमोसफेयरिक प्रेशर जैसे कि हमें ड्रिंक करना है कोई शेक है या फिर कोई जूस है एंड वी ड्रिंक इट विथ स्ट्रॉ तो जब हम लिक्विड को स्ट्रॉ से सक करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है तो एटमॉस्फेयर फिर लिक्विड पे प्रेशर डालता है जिसकी वजह से स्ट्रॉ से जूस और शेक्स जो है वो सक आउट किए जाते हैं नाउ हैव एन एक्टिविटी चिल्ड्रन टू शो द गैस इज एक्स प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ अ कंटेनर इसके लिए हम एक बाइसिकल ट्यूब लेंगे नीडल लेंगे और एक पंप लेंगे टेक अ बाइसिकल ट्यूब एंड इनफ्लेटेड विद द पंप उसमें आप हवा भर दो देन पंक्चर इट विद द हेल्प ऑफ अ नीडल हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें से गैस जो है वो क्विकली एस्केप करेगी ऐसा क्यों हुआ क्योंकि गैस जो थी वो टायर के जो व्हील है उसके वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी तो हमने बात करी थी कि जब हम स्ट्रॉ से जूस को या मिल्क को सक करते हैं तो वहां क्या होता है जब हमने एयर को सक किया तो वहां पे एक क्या हुआ लो प्रेशर जोन बन गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा जिसकी वजह से वाटर जो है वो स्ट्रॉ में इजीली मूव अप हो जाएगा इंक राइजेज इन द ट्यूब ऑफ फाउंटेन पेन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेन द पिस्टन ऑफ सिरेंज इज फुल आउटवर्ड द वॉल्यूम इन इंक्रीज अब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी तो वहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा इसीलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है फिर लिक्विड को फोर्स करेगा इन टू दी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज एट हाई एल्टीट्यूड बट द प्रेशर ऑफ द ब्लड इन द बॉडी रिमेन्स द सेम तो क्या हुआ कि जो बॉडी का प्रेशर था जो हमारे ब्लड का प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करता है प्लेन्स में लेकिन जब हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो बॉडी का प्रेशर तो सेम रहता है हमारा जो ब्लड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो सेम है लेकिन बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो गया सो so, हमारी नाक से खून निकल आएगा ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस द ब्लड oozes आउट ऑफ द नोज़ एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वेयर स्पेशली डिज़ाइंड Pressurized suits to protect themselves from the adverse effect of low pressure at higher altitude or in space. Without these suits, their body might burst. Our ear pops when we go higher up in the mountains because the air pressure around us decreases. This causes imbalance between the pressure inside and outside our ears, leading to popping of the sound. द डिवाइस यूज टू मेजर प्रेशर इज कॉल्ड एज एटमोस्फेयरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं बैरोमीटर टोर्सिली ने इसको इन्वेंट किया था टू मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेशर और इसको हमने नाम दिया था सिंपल बैरोमीटर या फिर मर्करी बैरोमीटर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टोर्सिली बैरोमीटर और इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है इट कंसिस्ट ऑफ अलास ट्यूब अबाउट वन मीटर लॉन्ग एंड सील्ड एट वन एंड तो हम इसके अंदर एक ग्लास ट्यूब होती है जो एक तरफ से खुली होती है और दूसरी तरफ से वो अच्छी तरह सील्ड होती है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बैरोमीटर इज टू यूज एटमोस्पेयरिक प्रेशर टू बैलेंस अ वर्टिकल कॉलम ऑफ मर्क्यूरी सील्ड एट द टॉप तो हम क्या करते हैं हम अपनी ट्यूब में मर्क्यूरी फिल करते हैं अच्छी तरह से और उसको इन्वर्ट कर देते हैं एक ट्रफ में या एक बीकर में जिसके अंदर ऑलरेडी मर्क्यूरी प्रेजेंट है The mercury level in the tube drops a little and remains steady at a particular height. तो ये क्या होता है पहले तो drop करता है फिर उसके बाद steady हो जाता है एक particular height पे जाके It does not fall further because atmospheric pressure ने अब अंदर के pressure को balance कर लिया है The portion above the mercury column is vacuum. तो आप देख सकते हो कि यहाँ तक इतना mercury level में drop आया और ऊपर क्या create हो गया ऊपर create हो गया vacuum. दिस वैक्यूम स्पेस इज कॉल्ड एज टोर्सिलीन वैक्यूम द हाइट ऑफ मर्करी इन द ट्यूब इंडिकेट्स एटमोस्फेरिक प्रेशर एट पॉइंट ऑफ टाइम तो जितना ये हाइट है ये ही बता रहा है हमें एटमोस्फेयरिक प्रेशर और ऊपर जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है इसे हम बोलेंगे टोर्सिलीन वैक्यूम एट सी लेवल द हाइट ऑफ मर्करी इन बैरोमीटर इज पाउंड टू बी सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर दिस इज ऑल्सो नोन एज वन एटमोस्फेयर जिसको हम बोलते हैं वन एटमोसफेयरिक प्रेशर एटमोस्फेयर डिनोटेड बाई ए टी एम इज कॉमनली यूज यू नेट टू रिप्रेजेंट एटमोस्फेयरिक प्रेशर द प्रेशर इक्वल टू सेमीटर कॉलम ऑफ मर्क अप्रोक्सीमेटली वन पॉइंट जीरो इंटू टेन की पावर फाइव न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर तो हमारा वन एटमोस्फेयर किसके इक्वल हैीरो वन थ्री इंटू टेन की पावर फाइव न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर है लुक ऑन ट्रैक योर प्रोग्रेस चिल्ड्रन फिल द ब्लैंक्स

द डिवाइस यूज टू मेजर एटमोस्फेयरिक प्रेशर इसको हम क्या लिखेंगे इट इज सिंपल बैरोमीटर और वन एटमोस्फेयर कितने न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर है वो है वन पॉइंट जीरो वन थ्री इंटू टेन की पावर फाइव अ लुक ऑन द वंडर बॉक्स चिल्ड्रन Pascal was a French mathematician and physicist. The SI unit of pressure PA is named after him. He formulated Pascal's law concerning liquid fluid pressure and the principle behind the hydraulic press. Have a look on keywords, children. Pressure, force applied on the surface per unit area. Atmospheric pressure, force exerted by the weight of atmosphere over unit area. Barometer, an instrument used for measuring atmospheric pressure. Contact force, the force between two objects that are in physical contact. Electrostatic force, the force of attraction or repulsion between electrical charges. Force, a push or a pull that tends to affect an object in some way. Friction, the force that opposes the motion when two surfaces in contact move or tend to move with respect to each other gravitational force the force of attraction that exists between any two bodies have a look on the review zone children first is tick the correct option the si unit of force yes tell me the answer you all know it now it is newton the force exerted by electrified body is called electrostatic force pascal is the unit of pressure force acting upon unit area of a surface is called it is called pressure atmospheric pressure is lowest at the mountains now look at the fill in the blanks children first question is a push or pull acting on a body is called force, Aap yahan pe force the force of gravity is a नॉन टैक्ट फोर्स लिक्विड प्रेशर इज मेजर्ड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मैनोमीटर द अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। आप यहां पे एटमॉस्फेयर लिखेंगे एट सी लेवल एटमोस्फेरिक प्रेशर इज सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर ऑफ एच डी या सेवन सिक्सटी एम एम ऑफ एच डी स्टेट वेदर दर ट्रू और फॉल्स प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर नहीं वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है इट डिपेंड्स ऑन हाइट इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी तो हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स इज अ कंटैक्ट फोर्स येस इट इज ट्रू Force of friction is due to roughness of the surface of the bodies in contact. True. Pressure is known as push or pull. False. Atmospheric pressure decreases with altitude. True. With this, we have come to the end of this chapter. Hope you have understood this chapter nicely, children. Stay tuned for the new video. Till then, goodbye.